हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ भारत। अगर हम नेपाल की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नेपाल के लोग इतने बहादुर हैं कि आज तक कोई भी नेपाल को जीत नहीं पाया है। इस छोटे से देश के आसपास पता नहीं कितने बड़े बड़े एम्पायर आए और चले गए, लेकिन कोई भी इस देश पर कब्जा नहीं कर पाया, जो यह दर्शाता है कि आखिर नेपाल के लोग कितने बहादुर होंगे जो आज तक इन्हें कोई अपना गुलाम नहीं बना पाया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कोई नेपाल पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम नेपाल की जियोग्राफी को देखते हैं। अगर हम नेपाल की लोकेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह देश हिमालय के बीच में बसा हुआ है। इस देश के चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ों में से एक पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों ने इस देश के लिए किले का काम किया है। शायद इसलिए सदियां बीत गई लेकिन कोई इस देश को जीत नहीं पाया है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो नेपाल की जमीन उबड़ खाबड़ है। शायद इसलिए भी लोगों को नेपाल पर विजय प्राप्त करने में दिक्कत होती होगी। मान लीजिए कि अगर कोई सेना उबड़ खाबड़ जमीन को पार करने की सोचती भी होगी तो उन्हें नेपाल के अनप्रिडिक्टेबल वेदर का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि कोई कुछ नहीं जानता कि नेपाल का वेदर कब कैसा होगा, क्योंकि यह हिमालय में बसा एक देश है। इस मौसम के चलते भी सेना की सप्लाई टूट जाती होगी जिससे कि वह कमजोर पड़ जाते होंगे। फिर उन्हें आगे नेपाल की बहादुर सेना का सामना करना पड़ता होगा। शायद इसलिए भी नेपाल को जीतना नामुमकिन था। इसके अलावा नेपाल के लोगों की हमेशा से एक स्ट्रेटजी रहती थी कि नेपाल देश का जो किला होता था वह उसे ऊंचे स्थान पर बनाते थे, ताकि अगर कोई उन पर हमला भी करे तो वह आसानी से अपने आप को डिफेंड कर सके। ऊंची पहाड़ी पर किला होने का एक फायदा यह भी होता था कि वह अपनी सेना को मूवमेंट अच्छे से कर पाते थे तथा उन्हें अटैक लॉन्च करने में भी आसानी होती थी। नेपाल तथा नेपाल के किले के लोकेशन के कारण ही आज तक कोई इसे जीत नहीं पाया। केवल लोकेशन ही नेपाल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नेपाल के सैनिक बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। नेपाल की सेना में हमें वर्ल्ड फेमस गोरखा सैनिक दिखाई देते हैं, जिनके बहादुरों के बारे में कौन नहीं जानता। इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल हमें 1814 से 1816 के बीच देखने को मिलता है। उस समय भारत के अधिकतर भाग पर अंग्रेजों का शासन था। इसी मंशा से अंग्रेजों ने नेपाल पर हमला किया कि वे ऐसे छोटे से देश को आसानी से कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यह युद्ध नेपाल के गोरखा सैनिकों की बहादुरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह युद्ध नेपाल तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसे एंग्लो नेपालीज वॉर के नाम से भी जाना जाता है। संख्या तथा हथियार में कम होने के बावजूद नेपाली गोरखा सैनिकों ने अपनी बहादुरी से अंग्रेजों को चौंका दिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करने की अपनी इच्छा छोड़ दी। इसके अतिरिक्त नेपाल के कल्चर ने भी नेपाल की इंडिपेंडेंस रहने में एक अहम योगदान दिया है। नेपाल के लोगों के लिए उनकी नेशनल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, इसलिए जब भी किसी बाहरी लोगों ने नेपाल पर हमला किया तो वे हमेशा एक साथ दिखाई दिए। नेपाल की डिप्लोमेसी ने भी नेपाल की अखंडता बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। नेपाल में जितने भी राजा हुए, उन राजाओं के डिप्लोमेसी के कारण ही नेपाल ने अपनी अखंडता बनाए रखी है, जबकि इसके दोनों तरफ पावरफुल पड़ोसी देश भारत तथा चीन है। इन दो पावरफुल देशों के रहते हुए भी नेपाल हमेशा से स्टेबल रहा है। अगर हम आज के समय में नेपाल को देखते हैं तो नेपाल ने उसी डिप्लोमेसी के दम पर अपने इंडिपेंडेंस को अब तक कायम रखने में सफल रहा है। अगर हम ग्लोबली पॉलिटिक्स को देखें तो नेपाल के मल्टीपल कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध है। नेपाल हमेशा से किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहा है, जिस कारण भी वह अपनी अखंडता को कायम रख पाया है। इस तरह अगर हम नेपाल की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें बहादुरी तथा स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस माइंड देखने को मिलता है। इसके अलावा नेपाल के पास जियोग्राफी एडवांटेज के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी है। नेपाल के कल्चर तथा स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी के कारण यहाँ के लोग कभी नहीं बटे, जिसके चलते यह देश छोटा होने के बावजूद अपने आप को फ्री रखने में कामयाब रहा है। आप नेपाल की इस हिस्ट्री को कैसे देखते हैं? आप इसके बारे में पहले से जानते थे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें
और ऐसे ही अपकमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।